हेलो स्पीरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। तो देखिए, जिस टाइम पे मौर्यन डायनेस्टी का एंड हो रहा था, हम पढ़ते हैं अशोका के बाद जो है काफ़ी वीक सक्सेसर्स आए थे, वो इतने इंटैक्ट रूप में नहीं रख पाए पूरे के पूरे एम्पायर को। तो उस टाइम पे कुछ फॉरेन इन्वेजन्स और कुछ नेटिव इन्वेजन्स होना स्टार्ट हो गए थे। फॉरेन इन्वेजन्स मतलब देश के बाहर से लोगों ने आक्रमण करना स्टार्ट किया था, और नेटिव इन्वेजन्स मतलब आसपास के जो शासक थे या राजा थे या लोग थे, उन्होंने उस जो जहाँ पे एम्पायर था मौर्यन एम्पायर, वहाँ पे अटैक करने स्टार्ट किए थे। तो फॉरेन इन्वेजन्स में हम पढ़ते हैं इंडो ग्रीक्स, शक्स और स्काइथियंस, पार्थियंस एंड कुशांस, कुशांस जिसमें कनिष्क पढ़ते हैं। जब हम नेटिव इन्वेजन्स की बात करते हैं तो जो लोकल राजा या लोकल रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि शुंगास हो गए, कनवास हो गए, चेतीज हो गए, सातवाहंस हो गए। इनमें से शुंगा और सातवाहंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉरेन इन्वेजन्स की बात करें तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट इनमें जो कुशांस रहते हैं और जो इंडो ग्रीक्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप पूरी वीडियो इन डिटेल देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं।